हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्कर स्टडी एंड मोटिवेशन। आई एम शुभ्रजित कर हियर इन फ्रंट ऑफ यू अगेन विथ ए न्यू वीडियो। और आपको टाइटल में, वीडियो का टाइटल में ज़रूर मिल गया होगा कि मेरा वीडियो आज कौन सी बेसिस में होने वाला है। तो अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो बिना देरी किए करते हैं शुरू वीडियो। तो जो मेरा वीडियो का आज टॉपिक है, दैट इज़ द बुक्स, द एसेंशियल बुक्स दैट यू नीड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 बायोलॉजी बुक्स, मेनली द बायोलॉजी बुक्स। ओके, सो बिना देरी किए करते हैं शुरू वीडियो। तो आप पूरा वीडियो के एंड तक लगे रहना, क्योंकि हर एक बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 5-6 बुक्स ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए क्लास 12। सो इस लिस्ट में पहली बुक जो आता है वो एनसीईआरटी बुक। सबको पता है बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक आपको ऑनलाइन से खरीदने को मिल जाएगा। आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है इसका फ्रंट पेज, बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक कितने हेल्पफुल है। अगर आप टॉपर्स की बात करो, हर एक किसी की बात करो जो पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, उनसे अगर पूछ लो तो एनसीईआरटी बुक बहुत हेल्पफुल है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बोरिंग फील हो रहा है, तो आप और एक बुक चूज़ कर सकते हो जो कि एनसीईआरटी बुक्स के रिलेटेड है। पूरा एनसीईआरटी बुक का राइटिंग से जुड़ा हुआ है, वो है आर्यंत ऑल इन वन बुक। वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ। और वो बुक्स आई विल पर्सनली सजेस्ट यू टू बाई दैट बुक एक्सेप्ट एनसीईआरटी बुक। आप एनसीईआरटी बुक्स खरीद सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो, लेकिन आर्यंत जो बुक होता है ऑल इन वन, वो बुक भी बहुत अच्छा है। वो पूरा एनसीईआरटी बेसिस में लिखा है, पूरा एनसीईआरटी की राइटिंग कॉपी किया गया है वहाँ पे। और उसका बेनिफिट ये है कि आपको एनसीईआरटी के लेटेस्ट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आते हैं वो दिखने को मिल जाएंगे, केस बेस्ड स्टडीज़ जो बोर्ड्स में आते हैं वो भी दिखने को मिल जाएंगे, और भी तरह तरह के क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड्स बायोलॉजी में आते हैं वो दिखने को मिल जाएंगे। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू दैट आप आर्यंत की बुक को खरीदो। एनसीईआरटी बुक भी हेल्पफुल है, वो भी हेल्पफुल है, सेम बुक्स हैं, दोनों ही सेम बुक्स हैं। और नाउ चॉइस इज ऑन योर्स। अभी इस लिस्ट में आपके चलो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना हो गया, आपने पूरा कर लिया पढ़ाई एनसीईआरटी बुक्स और या फिर आर्यंत बुक को, आपको एक बेसिक स्टडी मिल गया है, पूरा एक जानकारी मिल गया हर एक चैप्टर का। तो उसको डाइवर्स में लाना है, हमें क्या करना है, उसको डाइवर्स ज्ञान, डाइवर्स स्टडी हम में लाना है। तो उसके लिए आपको कौन सी बुक बहुत हेल्पफुल होने वाला है, दैट इज़ द सेकंड नंबर बुक। द बुक इन द सेकंड नंबर इन दिस लिस्ट इज़ द ट्रूमेंस बुक, जो बहुत हेल्पफुल है आपको। अगर पूरा नीट के लिए बोलो, कोई भी एंट्रेंस के लिए बोलो, ये बुक आपका बेसिक स्टडी, बेसिक ज्ञान और पूरा एक डाइवर्स ज्ञान देने के लिए ये बुक बहुत काफ़ी है। बहुत टीचरों ने बोला है, मैंने देखा है, मैंने भी अपना पर्सनल टीचर से पूछा, उन्होंने भी बोला है कि ट्रूमेंस बुक बहुत अच्छे होते हैं बायोलॉजी के लिए क्लास 12 11 सब क्लास में। अभी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं। देखो, आपको बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करना है, मैं इस वीडियो में क्या बोल रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बायोलॉजी बुक्स कौन से चाहिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है कि बोर्ड्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपको क्वेश्चंस की स्टाइल को कैच करना है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा ओसवाल बुक, ओसवाल क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आते हैं, बोर्ड्स के स्टाइल में होते हैं, वो दिखने को मिल जाएंगे। तो आप ओसवाल बुक्स ऑनलाइन से परचेज कर सकते हो, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, तो वो भी एक हेल्पफुल बुक रहेगा आपकी बोर्ड्स के लिए। अभी इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं तो वो बुक है एडुकार्ट बुक। आपको पता ही है एडुकार्ट बुक वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल बुक फॉर सीबीएसई एग्ज़ाम्स। इस बुक में आपको फुल स्टैंडर्ड सीबीएसई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दिखने को मिल जाएंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन, हर एक स्टाइल के क्वेश्चन, लाइन करके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन, लाइन बेसिस, पैराग्राफ बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं, फुल बोलते हैं ना पावरफुल बेसिस क्वेश्चंस, स्ट्रेटजी बेसिस क्वेश्चंस, यू कैन से मोस्ट हायर थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस जो सीबीएसई में ज़्यादातर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, वो क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। पूरा सीबीएसई बेसिस
वो एडुकेट आपको क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, आप वो परचेज़ कर सकते हो। और एग्ज़ाम के पहले मैं बता दूंगा, एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले जो आप 2023 के कैंडिडेट्स हो उनको मैं बता दूंगा कि कौन सी बुक्स हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चौथे नंबर पे ये बुक है और आपको स्क्रीन में मैंने दिखा दिया एडुकेट बुक का फ्रंट पेज कैसा होता है। अभी पाँचवीं नंबर आखिरी बुक जो आपको एसेंशियल है कि आपको बोर्ड्स की क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सब पढ़ लिया तो कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, PYQ, यू नो एवरी वन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट लाना है। तो आप हर एक टॉपर से पूछ लो, उन्होंने NCERT बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन जो स्टाइल वाइज क्वेश्चन होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, उनसे ही वो इतना अच्छा मार्क्स लेके आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप बुक खरीदो ना खरीदो वो भी चलेगा, अगर खरीदोगे तो टुगेदर विद कर सकते हो, आर्यन के अभी बुक होते हैं 10-20 साल का क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर आपको नहीं खरीदना है दोनों अभी खरीदो चलेगा, आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, गूगल में सर्च करो इस साल का क्वेश्चन, उस साल का क्वेश्चन, फॉरेन सेट, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी का। तो ये सब मिलके क्या होता है, आपको एक फुल पैक्ड आप बन गए हो, एक फुल पैक्ड टारगेट सेटर, दैट इज़ आपको पूरा टैकल करने के लिए आपको एक पूरा वो क्या है ना, वेपन मिल गया आपको बोर्ड क्रैक करने के लिए। अगर ये बुक्स आप फॉलो करोगे तो आपको लगभग 95% के ऊपर मार्क्स ज़रूर आएंगे, गारंटी, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप इन बुक्स को अच्छी तरह से फॉलो करोगे, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेके आओगे तो आपको 95% के ऊपर मार्क्स ज़रूर आएंगे, पूरा गारंटी लेता हूँ मैं। और इतना ही बस, इस वीडियो में इतना ही बोलने वाला था। तो आज मैं मेरा वीडियो यहाँ पे कंक्लूशन देता हूँ, शुभ रात्रि एंड सी यू सून गाइस, गुड बाय।